भाभी जी, भाभी जी। अरे विशाल जी आप, लेकिन वो तो घर पर नहीं है, वो चेन्नई गए हुए हैं। मालूम है, तभी तो मैं आया हूँ। भाभी जी, घुमा फिराकर बात करने की मेरी आदत नहीं है, इसलिए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। जिस दिन से मैंने आपको देखा है, उस दिन से लेकर आज तक मैं एक रात एक दिन भी चैन से नहीं सो पाया हूँ। उठते जागते सिर्फ एक ही सपना देखता हूँ कि आपके साथ, आपकी गोरी बाहों में सिर्फ एक रात बिताने का मुझे मौका मिल जाए। विशाल जी क्या बकवास कर रहे हैं आप, मेरे साथ इस तरह की बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? नहीं नहीं भाभी जी, ये काम मैं फ्री में नहीं करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं कीमत देने को तैयार हूँ। आपका दिमाग ठिकाने पे है? कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? अपने दोस्त की बीवी के साथ इस तरह से बात करने में आपको शर्म नहीं आती? शर्म तो बहुत आती है, इसलिए 6 महीना दिन रात मेहनत करके मैंने ये 1 लाख रुपया जमा किया है। ये 1 लाख रुपए लेकर आप मेरा सपना पूरा कर दीजिए प्लीज। विशाल जी आपके दिमाग में इतनी गंदगी होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और आपको क्या लगता है कि 1 लाख रुपए के लिए मैं 1 लाख रुपए कम है? ये लो 2 लाख। 2 लाख रुपए भाभी जी, 2 लाख रुपया बहुत होता है। मैंने एक बार किताब में पढ़ा था, एक साथ इतने सारे पैसे मिलने से, ऐसा एक काम करने से कोई बुराई नहीं है। ये हरी हरी नोट, ये 2 लाख का बंडल, भाभी जी ये बहुत सारे पैसे हैं, इससे आप बहुत सारे अपने सपने पूरे कर सकते हो। आप नई साड़ी, नई ज्वेलरी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, ये सब खरीद सकते हो। ये करारी करारी नोट लेकर आप मेरी बेकरारी दूर कर सकते हो। प्लीज ले लीजिए, छू कर देखिए, ये असली नोट है। ले लीजिए भाभी जी, ले लीजिए। मुझे पता आप बहुत समझदार हैं, मेरा सपना पूरा करोगी ना? इतनी सुबह सुबह किसको फोन कर रहे हैं सर? My sweetheart, my dolly wally, my wife. हेलो स्वीटहार्ट, मैं बोल रहा हूँ। जी बोलिए, कैसे हैं आप? डार्लिंग इतनी घबराई हुई क्यों हो तुम? नहीं नहीं वैसी कोई बात नहीं है। आप कब आ रहे हैं? दिस इज बिजनेस टूर यार, 2-3 दिन लग जाएंगे। सुनो, मैंने विशाल के हाथ से कंपनी के 2 लाख रुपए भिजवाए थे, संभाल के रखना, बॉस को वापस करने हैं। क्या? वो पैसे आपकी कंपनी के थे? तो तुम क्या समझी, हमारे हैं? ओके बाय। सुबह सुबह फोन करने की क्या जरूरत थी? ऐसा एक कमीना दोस्त 100 कमीने दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक होता है। हमारी कहानी भी कुछ ऐसे ही कमीने दोस्तों की है, जिनमें पहले हैं पी के लेले, यानी पदम कुमार लेले। अपनी बेमानी से इन्होंने मुंबई में 3 मकान बनाए हैं, एक में खुद रहते हैं और 2 किराए पर। घर में खूबसूरत बीवी, लेकिन इनकी गंदी नजरें दूसरी औरतों पर हमेशा। अच्छे से देखता हूँ।
नहीं। दूसरे हैं कुछ भी सिंह, जो चलाते हैं किराने की दुकान, लेकिन इनकी नजरें आने जाने वाली हर औरतों पर रहती हैं। इनकी हरकतें इतनी कमीनी कि आप सोच भी नहीं सकते। भाई साहब जरा कोहिनूर के चार पैकेट देना। पापी जी आपके पति नहीं आए, ऐसी चीजें लेने तो आपके पति आंदे हैं ना। नहीं वो शहर से बाहर गए हैं ना, इसलिए मुझे आना पड़ा। प्लीज जरा जल्दी देना। हाँ ये लो जी पापी जी। पति घर से बाहर और चार चार पैकेट काट दिए अंदर, कुछ तो गड़बड़ है। ओ पापी जी तुहाड़ा पांच का सिक्का गिर गया बैग से, चक लो। थैंक यू भाई साहब। वाह मान गए गुरु। ओ पुत्र इधर आ, तुझे मुंबई आए सिर्फ दो दिन हुए ने, तू ये ट्रिक सीख ले, बड़े काम दी ट्रिक हैगी। भाई थिएटर विच जूली तो मड़े ऐसी फिल्में देखनी थी कोई जरूरत नहीं, ₹5 विच लाइव टेलीकास्ट। वैसे तो हले तक कबड्डी खेली की नहीं? नहीं पाजी अभी तक तो मैदान भी नहीं देखा। ओ पुत्र तू फिकर ना कर, साढ़े नाल रहेगा तो इस खेल का बहुत बड़ा खिलाड़ी बना दांगा मैं। चल उन काम विच लग जा। हाँ। चल हट। बहुत मोटा हो गया यार, डिक्की थोड़ी अंदर कर ले, कर ले थोड़ा कम खाए कर। भाभी जी आपका ₹5 का कॉइन गिर गया है। ओ जिंदर है मेरे पुत्र। की कर रहे है? क्या हुआ पाजी, तमाशा दिख रहा था, आप तमाशा क्यों मार रहे हो? ये रहे तीसरे, बासु घोष, चालू इतने के उड़ा दे किसी के भी होश। बीवी की कमाई खाते हैं और अपनी नौकरानी फ्लोरा के साथ क्या करते हैं खुद ही देख लीजिए। बेरोजगार पति ने अपनी पत्नी के तानों से तंग आकर उसको जलाकर काटकर उसकी हत्या कर दी। बीवी के शक से परेशान और नौकरी ना मिलने से भौकलाए पति के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या। बाप रे बाप, ये सब हो क्या रहा है? लगता है दुनिया के सब बेरोजगार पति अपनी पत्नी को मारने का प्लान ही बना रहे हैं। बासु दुनिया की छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? अब नहीं नहीं डार्लिंग, क्या बात करती हो? क्या मैंने कभी तुम पे शक किया या नौकरी ना ढूंढने का ताना दिया? नहीं नहीं डार्लिंग कभी नहीं। तो फिर तुम अखबार में ऐसी खबरें क्यों पढ़ते हो? अखबार में और भी अच्छी अच्छी खबरें छपती हैं, उसे पढ़ा करो। सॉरी डार्लिंग, वो क्या है ना कि मैं भी बेरोजगार हूँ, इसलिए इन्हीं खबरों पर मेरी नजर जाती है। बट तुम्हारी कसम अब से कभी नहीं पढ़ूंगा। हाँ ठीक है। अच्छा मैं ऑफिस जा रही हूँ, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो बाहर वहाँ ड्रेसिंग टेबल पर रखें। थैंक यू डार्लिंग, बाय बाय। चली गई। इसी तरह इसे डराते रहे बासु, तेरी लाइफ हो जाएगी धासु। मेरी जान, आजा 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 कर देता हूँ। चल 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 जल्दी जल्दी जल्दी। क्या कर रहे हो बासु, जरा संभाल के, मैं बहुत नाजुक हूँ। अरे तुझे संभाल के नहीं, बिस्तर पे डाल के प्यार करूँगा। आउच। अच्छा जी मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी क्या है? घर का सारा काम तुम ही कर लेना। डार्लिंग ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों काम तुम ही कर लो। नहीं नहीं हो सकता, जितनी पगार मिलती है
उसमें मैं एक ही काम कर सकती हूँ, या तो तुम्हारे घर का काम करूँ या तो बिस्तर का। तो एक काम करो, तुम बिस्तर का काम करो, घर का काम मैं ही कर लेता हूँ। ओके स्वीटहार्ट, बाय बाय। अरे फ्लोरी की बच्ची सारे घर का काम मुझसे कराती है। और ये रहे चौथे, गौरव शाह, जो बैचलर हैं और एसटीडी बूथ चलाते हैं। ये लड़कियों की सेक्सी बातें सुनने के नए तरीके अपनाते हैं और हर लड़की को पटाने की कोशिश में लगे रहते हैं। बैंडस्टैंड के पत्थरों पे जब तुम मुझे लिटाते हो तो मेरी पीठ में बहुत दर्द होने लगता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग बैंडस्टैंड के पत्थरों पे नहीं जाएंगे। तुम मुझे वहाँ ऐसे प्यार करते हो कि मेरी पीठ में दर्द होने लगता है। ठीक है डार्लिंग, नेक्स्ट टाइम हम लोग गद्दे पर चलेंगे। कितना मजा आया था ना, जब पिछली बार गद्दे पर प्यार किया था कितना था। वैसा ही मजा नेक्स्ट टाइम तुम्हें फिर दूंगा डार्लिंग, मुझे बैंगलोर से वापस आने दो। ठीक है, ओके बाय। कितना हुआ? 107 रुपया। 100 रुपीज ही है मेरे पास, 7 रुपए में कल आके आपको दे दूंगी। चलेगा चलेगा, सिर्फ 7 रुपए की तो बात है, कल दे दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। आए क्या बात है गुरु, दूसरों की रोमांटिक बातें सुनने का आइडिया तेरा कमाल का है यार। आइटम देखी नहीं, 7 रुपए छोड़ दिए। 7 रुपए छोड़े हैं ताकि ये मेरा साथ ना छोड़े। आज मुस्कुराकर थैंक यू बोलकर गई है, कल क्या पता है लव यू बोल दे। बॉयफ्रेंड है बेंगलोर में और ये अकेली मुंबई में, शिकार हो सकता है यार। कितना हुआ? 50 रुपए 25 पैसे। 50 रुपए हैं, 25 पैसे बाद में दूंगा, चलेगा? क्यों, बाप की दुकान समझ रखी है जो 25 पैसा नहीं है। चल जा छुट्टा लेकर आ। अरे लाता हूँ लाता हूँ। अबे जा जा जल्दी, कहाँ से चले आते हैं। कमाल है यार गौरव, उसके 7 रुपए छोड़ दिए, इसके 25 पैसे नहीं छोड़े यार। और ये रहे आखिरी दोस्त आकाश, जो उन कमीनों की तरह नहीं है। इस तस्वीर में जो लड़की है वो इनकी पहली वाइफ दीपल, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और आकाश को मजबूरन दूसरी शादी करनी पड़ी। इनका नाम है शीतल। आइए अब हम देखते हैं इन 5 दोस्तों के कारनामे। सुनिए जरा, ब्लाउज की डोरी बांध दीजिए ना प्लीज, मुझसे बांधे नहीं जा रही। आकाश वो, ओ हाँ घूमो। शीतल मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओहो नाश्ता तो करते जाओ, मैं ऑफिस कैंटीन में कर लूंगा। आकाश मुझे कुछ शॉपिंग करने भी जाना था। तुम अकेले चले जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, और चाबी किसी दोस्त के यहाँ रख देना। बाय। और सबकी प्यारी प्यारी हाय वासु। अरे आकाश इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं यार? कुछ नहीं यार, आज ऑफिस में ज्यादा काम है तो जल्दी जा रहा हूँ। अच्छा शाम को कितने बजे तक आएगा? जल्दी आता है तो थोड़ा पीते हैं। नहीं यार आज तो नहीं, फिर कभी बैठते हैं, ऑफिस में काफी काम है। चल मैं चलता हूँ, तू जॉगिंग कर। ओके बाय। ये ऑफिस में और हीरोइन घर पे, वो भी अकेली। हाँ।
भाभी। हाय बासु, हाउ आर यू कमिंग। वो आकाश घर में है? नहीं, वो अभी भी ऑफिस के लिए गए हैं, शाम को काफी देर से आएंगे। उससे एक बहुत जरूरी काम था, चलो बाद में देख लेता हूँ। भाभी बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो ना, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? भाभी ऐसी साड़ी मेरी बीवी के पास भी है, लेकिन वो जब साड़ी पहनती है ना तो ऐसा लगता है किसी कौवे ने रुमाल ओढ़ लिया, और आप जब पहनती है ना तो एकदम माल। अब मेरा मतलब है कि कम माल, कम माल, किसी राजमहल की मालकिन लगती हैं आप। कसम से भाभी, आप जैसी खूबसूरत औरत तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। जाइए ना, जब भी देखो आप मेरी झूठी तारीफ करते रहते हो। झूठी तारीफ नहीं भाभी, सच्चाई है, एकदम सच्चाई। अगर आपकी 5% खूबसूरती भी मेरी बीवी में होती ना तो मैं उसकी जम के तारीफ करता, प्यार करता, और 2-3 साल तक घर से बाहर ही नहीं निकलता मैं। हाँ। पूरी कॉलोनी मेरी तारीफ करती है सिवाय आकाश के, पता नहीं मैं उन्हें क्यों अच्छी नहीं लगती। वैसे भाभी कहना तो नहीं चाहिए, पर एक पुरानी कहावत है, अब वो बंदर क्या जाने चिकन बर्गर का स्वाद। अब वो आकाश को तो मालूम ही नहीं ना कि खूबसूरती क्या चीज होती है। ऊपर वाले का भी कमाल है भाभी, डायबिटीज के मरीज को रसगुल्ले का डब्बा दे दिया, अब मेरा मतलब है इतनी अच्छी वाइफ दे दी। ये लो साहब आपका आ गया शांति नगर कॉलोनी। एक एक मिनट रुक जरा, पहले मुझे कंफर्म करने दे यही शांति नगर है या नहीं। मुझे मालूम है ये रिक्शे वाले बहुत चालू होते हैं, रिक्शे से ज्यादा आदमी को घुमाते हैं। ए किसको बोला रे तू? नहीं नहीं भाई साहब, मेरा मतलब था कि, अरे भाई गया भाड़ में, पहले ये बताइए किसको बोला रे तू? नहीं नहीं देखिए नाराज मत होइए भाई साहब, सर ये मैं पता, अरे पता गया तेल लेने, पहले ये बताइए किसको बोला रे तू? अरे आपको ही बोला था, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, ये पता बता दीजिए। अरे भैया बम्बे में आके तू रुआब से पता पूछता है? चल निकल जा, चल निकल इसे इधर, चल निकल। यहाँ पता पूछो तो तमाचा मिलता है क्या? अभी जरा संभल के पूछना पड़ेगा। ये नहीं भाई साहब ये भाई साहब क्या ये? मैंने भाई साहब कहा है, मैंने ए नहीं कहा। क्या बात है? नहीं मुझे ये पूछना था कि ये शांति नगर कॉलोनी कहाँ है। भाई साहब मैंने जोक नहीं मारा, मैंने पूछा कि शांति नगर कॉलोनी कहाँ है। शांति नगर में खड़ा होके शांति नगर का पता पूछ रहा है। ये शांति नगर कैसे हो सकता है यार, यहाँ तो बहुत अशांति है। चल भाई कंफर्म हो गया ये शांति नगर कॉलोनी है, तू जा इधर से। क्या बात कर रहे हैं साहब, पैसे पैसे? अबे कैसे पैसे, अभी तो तेरे को 50 का नोट दिया ना जब तूने मुझे बताया कि शांति नगर कॉलोनी है। क्या साहब क्या झूठ बोल रहे हैं, कब दिए पैसे? ए मैं झूठ बोल रहा हूँ कि अपने जेब में चेक कर, अगर उसमें 50 का नोट निकला तो वो मेरा है। अरे साहब सुबह से शाम तक रिक्शा चलाता हूँ तो जेब में 50 का नोट तो रहेगा ही ना। उसी 50 में से अपने पैसे काट और बाकी मुझे वापस कर ला। क्या बात कर रहे हैं साहब, क्या समझ में नहीं आ रही मेरी बात? अभी पुलिस को बुलाऊंगे तब समझ में आएगा। ठीक है साहब जाता हूँ, आपको याद रखूंगा। लेकिन एक बात है सर, आप भी मुझे याद रखेंगे। क्या मुझे याद रखना? लोग खामोखा बोलते हैं कि शहर के रिक्शे वाले बड़े सियाने होते हैं, अरे मैं तो इन सियानों का भी बाप निकला। अभी सलमान भाई को फोन कर। मेरा मोबाइल था, मेरा मोबाइल लगता है रिक्शे में छूट गया। वो तो गया। फोन फोन हेलो। ए रिक्शा वाला मेरा मोबाइल तेरे रिक्शे में छूट गया है, तू जहाँ भी है अपने रिक्शा को पलटा और वापस वहीं आ जहाँ मुझे छोड़ा था। एड़ा समझाए क्या? क्या मतलब? इसी मोबाइल के लिए तो हमने अपना 50 रुपया छोड़ा। दे 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 देखिए भाई साहब मेरा मोबाइल वापस कर दीजिए, मैं आपको 50 की जगह 100 रुपए दे दूंगा यार। देख अभी आ तो मैं नहीं सकता हूँ, तेरे को यही से एक फ्री एडवाइस देता हूँ। क्या? तू एक नया मोबाइल ले ले। देखिए भाई साहब, हेलो 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 हेलो, काट दिया यार। मेरा बैग कहाँ गया? ए मेरा बैग कहाँ गया, यही रखा था। ए भाई साहब मेरा बैग कौन ले गया, यही रखा था यार। क्या बैग वहाँ रखा था? तो समझो गुल हो गया। मतलब भाई साहब ये अशांति नगर कॉलोनी है, यहाँ पे हर चीज गुल हो जाती है। अशांति नगर? ये शांति नगर कॉलोनी नहीं है? नहीं ये अशांति नगर है। फिर ये
ये एड्रेस बताएंगे भाई कहाँ? 502 यार मुझे नहीं मालूम, चल 2 रुपए दे। ले 2 रुपए मांगे हैं, छुट्टे दे। मेरे पास छुट्टे नहीं है भाई साहब, कहीं से करा के ले आओ ना यार। अबे तेरे लिए दुकान छोड़ के बाहर जाऊंगा। एक काम करता हूँ, इसके बदले तेरे को कुछ और देता हूँ। देखो यार, कोई भी चीज ऐसी देना जो मेरे काम आ सके। रुक ले, रख ले। ये क्या है? अरे ये छोटी छोटी छतरियां हैं, बड़े बड़े तूफानों से रक्षा करेंगी। जा ऐश कर, जा जा। अजीब शहर है यार, मांगो कुछ मिलता कुछ है। चलो छतरियां मिल गई, तूफानों को देखते हैं। अरे शीतल कैसे आना हुआ? मैं घर की चाबियां देने आई थी, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। आकाश आए तो उन्हें दे देना प्लीज। आज तो हम लोग भी बाहर जा रहे हैं, मेरी बहन की बेटी की सगाई है। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, यहाँ बैठे बैठे दूसरों की बीवियों को घूर रहे हो? मैं उसे कहाँ घूर रहा था, मैं तो समाचार पत्र पढ़ रहा था। अच्छा, ये पंखा तुम्हें हवा देने के लिए है या किसी और को? ये पंखा तुम्हारी तरह पुराना हो गया, खुद ब खुद घूम जाता है। पंखे की बात कर रहा हूँ, तुम तो माधुरी दीक्षित। जल्दी से तैयार हो जाओ, चलना है। ये कभी नहीं, एक ये मेरी बीवी है, बासी दाल की तरह। भगवान करे किसी ट्रक के नीचे आके मर जाए तो मुंबा देवी के यहाँ 4-4 नारियल चढ़ाऊंगा। मरती क्यों नहीं है ये? शीशी का गायब हो गई। ओ भाई साहब, ये लो लिस्ट और फटाफट सामान पैक कर दो। भाई साहब, मैंने आपको एक बात दसना चाहता हूँ। क्या? देखो माइंड मत करना, ऐसा होता है, कभी कभी होता है, नाराज ना होना तुसी। जब आप बाहर गए उसी ना, तो तू आड़ी बीवी इस दुकान से ना 4 पैकेट कॉन्डोम से ले गई सी। इतनी सी बात बोलने के लिए इतना लंबा खींच दिया यार। मेरी बीवी कमाल की है, मेरा कहना बहुत मानती है। अब देखो, जब मैं जा रहा था ना, तो मैंने उसको बोला था कि आजकल एड्स बहुत फैली हुई है, इसलिए कॉन्डोम इस्तेमाल करना। अब देखो यार, 1 पैकेट की बजाय 4-4 पैकेट ले गई है। बड़ी नटखट है। कौन? हमारी बीवी है? पाजी। हाँ पाजी, माल आ रहा है, माल, वो भी एकदम कमाल। किधर है? भाभी जी नमस्ते जी। नमस्ते कुछ भी सिंह जी। बोलिए जी, क्या दूं मैं आपको, आपके लिए तो पूरी दुकान फ्री है जी। आज मैं कुछ लेने नहीं, बल्कि ये चाबियां देने आई थी, अगर आकाश आए तो उन्हें दे दीजिएगा प्लीज। भाभी जी, दरअसल मेरे फ्रेंड का ना एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं दुकान बंद करके अभी वहीं जा रहा हूँ, तो मैं चाबियां क्या करूँगा जी। ओ कोई बात नहीं, मैं गौरव जी के हाथ में देती हूँ। जी जरूर जी, ठीक है, बाय। बाय जी। ओ भाभी जी, आपका ना 5 रुपए का कॉइन गिर गया है, उठा लो जी। ये मेरा नहीं है, किसी और का होगा। यूं कीजिए, आप ही रख लीजिए। बाजी, ये 5 रुपए वाली ट्रिक है ना, बहुत पुरानी हो गई है, कोई नई ट्रिक सोचो ना, काम में मजा ही नहीं आता। ओ चुप कर खोते दे पुत्र, एक तो कल्याण जी आनंद जी धोखा देंगे, ऊपर से तू मेरा दिमाग खा रहा है, चल जाके सिक्का उठा जा। भाभी बड़ी इंटेलिजेंट है यार। अरे क्या बोल रहा है यार, क्या बात है। अरे ओ हाय भाभी। हाय गौरव। भाभी फोन करना है? नहीं नहीं, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, तो ये चाबी देने आई थी।
आकाश आए तो उन्हें दे देना प्लीज। हाँ ठीक है भाभी। ओके ओके भाभी, बाय भाभी। कौन है यार ये नई आइटम, इसे पहले तो कभी नहीं देखा। यार मेरा दोस्त है ना आकाश, उसकी वाइफ है ये। क्या बात कर रहा है, उसने फिर शादी कर ली? हाँ इसी हीरोइन से शादी हुई है। सेकंड शादी में भी ऐसा माल? गौरव इसको एक बार ट्राई करना यार। पता नहीं क्यों यार ये उस टाइप की औरत नहीं है। क्या बात कर रहा है यार, एक दिन मौका देकर उसे पकड़ लेना कसम से। अगर कुछ नहीं बोली समझ ले तेरा काम हो गया। और अगर चिल्लाई तो तू भी चिल्लाना, बोलना भाभी जी डर गई, भाभी जी डर गई। मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो आपको डरा रहा था। आइडिया अच्छा है, ट्राई करना चाहिए। क्या बात है आकाश, 9 बज रहे हैं, घर नहीं चलोगे क्या? नहीं यार तू चल, मैं आ जाऊंगा। सब ठीक तो है ना कुमार? आज मैं अपनी फर्स्ट वाइफ से पहली बार मिला था, बस कुछ देर उन यादों के साथ अकेले बिताना चाहता हूँ। तू चल मैं आ जाऊंगा। नो प्रॉब्लम यार, लेकिन अब तुम ज्यादा परेशान नहीं होना ठीक है? देख के ओके। अरे यार ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है, देखता हूँ गाड़ी में कुछ अता पता मिल जाए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे ये कहाँ चलेगी, क्या मुसीबत पाल ली है यार। अरे तो बेडरूम में जाके सो गई। मैडम, अरे मैडम उठिए, हेलो मैडम उठिए। अरे यार ये तो बेहोश है, कांप रही है। मैडम उठिए, इसके कपड़े भी गीले हैं, लगता है कपड़े मुझे बदलने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये बीमार हो जाएगी। मैं ही कोई अपनी शर्ट पहना देता हूँ, क्या करें। मैडम उठिए, मैडम मैडम उठिए, मैडम me, ये तुम्हारा नहीं मेरा बेडरूम है। क्या तो फिर मैं यहाँ कैसे? तुमने कल रात नशे की हालत में अपनी गाड़ी मेरे कंपाउंड की वॉल में ठोक दी, वो तो अच्छा हुआ कि तुम सही जगह पहुंच गई, वरना किसी मुसीबत में फंस सकती थी। नहीं I'm really very sorry, please. It's okay. My name is Akash. Hi. I'm दीपल। एक्चुअली कल रात मैं एक पार्टी में गई थी, वहां पे किसी ने कोक के साथ शराब पिला दी, मैंने कभी पी नहीं थी ना, तो अजीब सा होने लगा। I'm sorry, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। नहीं नहीं कोई तकलीफ नहीं, चाय पियेंगे आप? नो थैंक्स, अंकल घर पे बहुत परेशान होंगे। आई हैव टू लीव नाउ। ओके। अरे
मैंने। What? तुमने? मतलब तुमने मुझे टोटल? I'm sorry, दीपल। देखो मैंने तुम्हारे कपड़े जरूर चेंज किए थे, लेकिन उस वक्त मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मुझे मालूम है कि एक लड़की की इज्जत क्या होती है। देखो तुम भीगी हुई थी, बीमार पड़ सकती थी और नशे की हालत में थी, इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हारे कपड़े चेंज करने पड़े। लेकिन तुमको छूते वक्त मेरे दिल में कोई गलत ख्याल नहीं आया। जस्ट बिलीव मी। तुम मुझे घर छोड़ दोगे प्लीज? कहाँ चली गई ये लड़की, परेशान कर दिया इसने। कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ गई होगी। अंकल। दीपल मेरी बेटी, कहाँ थी तुम रात भर? मैं कितना परेशान था। और तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, काम क्यों नहीं कर रहा है? वो मेरा मोबाइल खो गया था और लेट हो गई थी मैं पार्टी से, इसलिए नीता के घर पे रुक गई। अंकल मीट नीताज ब्रदर आकाश। आकाश? आकाश मीट माय अंकल। हाय आकाश। हाय। नीता से तो मेरी मुलाकात कई बार हो चुकी है, पर तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। हाँ जी। आकाश, अंकल ने मुझे बचपन से लेकर आज तक पाल पोस कर बड़ा किया है, क्योंकि जब मैं 5 साल की थी तब मेरे मम्मी डैडी एक कार एक्सीडेंट में मारे गए, और तब से लेके आज तक यही मेरे माँ और बाप दोनों हैं। तेपल बेटी छोड़ो ना, तुम कहाँ इन पुरानी बातों को लेकर बैठ गई हो। अच्छा आकाश ये बताओ, अब तुम्हारे फादर की तबीयत कैसी है? कुछ भी बोलो बोलो। ही इज फाइन। आप कहाँ हैं? वो जॉगिंग करने गए हैं। व्हाट? 15 दिन पहले हार्ट अटैक आया और वो जॉगिंग कर रहे हैं? क्या हार्ट अटैक? वो जॉगिंग थेरेपी, एक नई थेरेपी है अंकल। हार्ट अटैक में जॉगिंग? इस नई थेरेपी के बारे में पहले कभी कुछ सुना नहीं यार। मैं भी कहां जानता था अंकल, एक नई थेरेपी है जॉगिंग थेरेपी, और पापा पे ही एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अच्छा मैं चलता हूँ अंकल, उनको हॉस्पिटल भी लेके जाना है। ओके अंकल बाय। अंकल मैं एक मिनट में आकाश को छोड़ के आती हूँ। आकाश आकाश सुनो, आज शाम को क्या कर रहे हो? शाम को एक मीटिंग है। मीटिंग? तो फिर ठीक है, अभी वो सब मीटिंग सब कैंसिल कर दो। क्यों? क्योंकि आज शाम को तुम्हारे साथ मेरी मीटिंग है। शाम को ठीक 8 बजे जुहू के कॉफी शॉप में पहुंच जाना। ओके बाय बाय। जल्दी से आजा, नाटक कैसा करूंगा देखना, मेरी एक्टिंग 2 लाख रुपया तो लेके जाऊंगा। अरे पीके, अरे मेरे दोस्त तू कहां चला गया था, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन तू रो क्यों रहा है? बहुत तकलीफ में हूँ। वो जो मेरी साली का बेटा ना 8 साल का, वो बीमार है, उसके इलाज के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। अगर कल का कल ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो पीके पीके रोना बंद कर पीके। मैं बहुत प्यार करता हूँ उसको, बहुत प्यार करता हूँ। भगवान उसको बचा ले, उसकी जगह मेरी जिंदगी चाहिए तो ले ले, तेरी जिंदगी चाहिए तो ले ले, पड़ोसियों की जिंदगी चाहिए तो ले ले, लेकिन उसको बचा ले। देखा ठीक है, ठीक है, तो रोना बंद कर। मैं अभी 2 लाख रुपए का कहीं से भी इंतजाम करता हूँ, तेरी तकलीफ मेरी तकलीफ है। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। रोना बंद कर। गिन ले, पूरे 2 लाख रुपए है, इमरजेंसी में पैसे दे रहा हूँ, सिर्फ 10% ब्याज लूंगा। ठीक है, थैंक यू। अपने बाप को बोलना, पहले इन कागजात पर साइन कर। और सुन, इस बार तेरा कॉटेज गिरवी रख रहा हूँ, अगर टाइम पर पैसा नहीं दिया ना तो कॉटेज के अंदर घुस कर कब्जा कर लूंगा। पेन निकाल, साइन कर। लोकरिया जल्दी टक ले, बाप मरा पैसा ले रहा है। देखो दीपक, मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तुम्हें जो कुछ कहना है जल्दी कहो, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। मैंने तो सुना था कि जब लड़की बुलाती है तो लड़का बहुत खुश हो जाता है, उसके पास बहुत टाइम रहता है। लड़की घर जाने की जिद करती है और लड़का जाना ही नहीं चाहता, लेकिन तुम में ऐसी कोई क्वालिटीज नहीं है। तुमने बिल्कुल ठीक समझा है, मैं बहुत ही बोरिंग किस्म का आदमी हूँ। अब तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, वरना मैं चलता हूँ। एक मिनट, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी, और अगर तुम्हें सच सच बताया तो हो सकता है कि तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, या तो फिर तुम यहाँ से जाना ही ना चाहो। ओके। तुम्हारी शादी हो चुकी है? नो। कल रात से पहले तुमने कभी किसी लड़की के कपड़े उतारे? कल रात से पहले कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। आर यू वर्जिन?
आई गेस सो। तो क्या जिंदगी भर वर्जिन रहने का इरादा है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वैसे मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बहुत बुरा ख्याल है। जानना चाहती हो तुम्हारे बारे में क्या बुरा ख्याल है? तुम्हें बाहों में भरकर प्यार करने का ख्याल है। सच? फैंटास्टिक। तुम्हारे और मेरे ख्याल कितने मिलते हैं? तो चलें? चलो। कैसे मैं बताऊं कैसी मदहोशी, प्यारी सी लगे ये बेहोशी। कैसे मैं बताऊं कैसी मदहोशी, प्यारी सी लगे ये बेहोशी। मेरी भी तड़प तेरे जैसी, पूछो न सनम हालत कैसी। मेरी जान ये तेरी अदा, मुझको लुभाने लगी तेरे प्यार की जादूगरी, नींद चुराने लगी। किस्मत है, बाहों में तेरी जन्नत है। हाँ, तू ही तो मेरी किस्मत है। हाँ, बाहों में तेरी जन्नत है। तेरे दम से हर खुशी है, तू है तो जिंदगी। मेरी जान ये तेरी अदा, मुझको लुभाने लगी हाँ, तेरे प्यार की जादूगरी, नींद चुराने लगी। Whenever, my baby. हम तुम मिले आपस में, भूल जाए नस नस में। Yeah, हम तुम मिले आपस में, भूल जाए नस नस में। बहका बहका सा है ये चाहत। मुझको लुभाने लगी तेरे प्यार की जादूगरी, नींद चुराने लगी। मेरी जान ये तेरी अदा, मुझको लुभाने लगी तेरे प्यार की जादूगरी, नींद चुराने लगी। अरे बासु, तू क्या बात है यार, इतना परेशान क्यों नजर आ रहा है? बता ना क्या हुआ। अरे तुझे तो मालूम है ना मैं बेरोजगार हूँ, तेरी भाभी नौकरी करके हमारा घर चलाती है। हाँ तो? कुछ नहीं यार, उसके ताने सुन सुन के थक गया था मैं। हाँ, आज गुस्से में आके मैंने भी कुछ कह दिया, राशन पानी लेके चढ़ गई यार मेरे पे। बहुत झगड़ा हुआ। घर से निकल जाने के लिए कह दिया यार उसने मुझे, घर भी तो उसके बाप ने दहेज में दिया था ना। क्या बात कर रहा है यार बासु,
भाभी ऐसा करेगी कभी सोचा भी नहीं था। हाँ यार, शाम तक अगर गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो घर चला जाऊंगा। अब तू अगर इजाजत दे तो शाम तक यहीं किसी कोने में पड़ा रहता। क्या बात कर रहा यार, तेरा अपना घर है, जब तक जी चाहे रहे। ये ले घर की चाबी। हाँ, मैं चलता हूँ। खाने का कुछ इंतजाम होगा? हाँ, सब कुछ फ्रिज में पड़ा है। ठीक है। बियर? नहीं, वो क्या है ना, बहुत टेंशन है यार। सब कुछ फ्रिज में पड़ा है, तू एंजॉय कर, मैं शाम को मिलता हूँ। थैंक्स यार। शट अप मैन, चल। यस। यहाँ क्यों लेके आए हो आज? अरे मेरी जान, मेरी बीवी की छुट्टी है ना आज, लेकिन मैं इस काम से एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकता। लॉज के पैसे नहीं ना मेरे पास, इसलिए दोस्त के घर पे ही मौज करेंगे, ठंडी बियर पियोगी। पूछ क्यों रहे हो, निकालो ना। अरे नशा करके मजा करने का मजा ही कुछ और है। चलो मेरी जान। Come on. Hey. Woo. Hey. प्लीज सिंह साहब, ऐसा मत कीजिए, मुझे एक हफ्ते का टाइम और दीजिए, मैं सारी किश्तें भर दूंगा। मिस्टर गौरव, आई एम सॉरी, 6 महीने से आपने इसकी किश्त नहीं दी है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, प्लीज गाड़ी उठाइए। यार, अरे क्या बात है गौरव, क्या हो रहा है यहाँ? ये लोग फाइनेंस कंपनी से हैं, मेरी गाड़ी उठा के लेके जा रहे हैं, पिछले 6 महीने से किश्तें नहीं भर पाया हूँ, 42,500 रुपया बाकी है। एक मिनट, गाड़ी को कोई हाथ नहीं लगाएगा, आपकी पेमेंट मैं करता हूँ, आप आइए मेरे साथ। थैंक यू आकाश। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है यार, एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। हाँ, थैंक्स। आप आइए मेरे साथ। ओए की गल कर रहे है, आकाश ने तेरी कार दी इंस्टॉलमेंट्स भर दी। हाँ, बड़ा बेवकूफ है आकाश। ओ जी, आप भी जरा आकाश से कुछ सीख लो, तुम लोगों की कितनी मदद करता है वो, कितना कमाता है, तुम लोगों की मदद भी करता है। आप तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आते हो, पूरा दिन दुकान विच क्या करते रहते हो, मेरी तो समझ से बाहर है। सारे पैसे जाते कहाँ है? मैं जानता हूँ भाभी जी, सारे पैसे जाते कहाँ है। तो चुप कर, मैंने दुकान के लिए जो लोन लेता सी इंस्टॉलमेंट से तो पार रहा हूँ, तू मजाक कर रही है, सीरियस हो जाएगी यार। आज तो मैं डैम सीरियस हूँ, कब तक रो रो के घर चलाती रहूंगी? पिछले 15 दिन से हम लोगों का फ्रिज खराब है, अगर आज आपने नया फ्रिज नहीं लाया ना तो आपको भी घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। ओ तरमिंदर, मतलब परमिंदर, एक गिलास दूध दलिया, जा जा। सुबह शाम दूध दूध करते रहते हो, एक गाय ले आओ ना। तू है ना बेटा, आज के आज 20,000 का फ्रिज लाएगा कहाँ से? और पुत्र, तुम लोगों ने आकाश को बहुत निचोड़िया, तो आज 2-4 बुध मैं भी निचोड़ लूंगा, फ्रिज फ्रिज घर में जरूर आएगा, तू देख। अरे कुछ भी, इतना उदास क्यों है यार? ओए ओए, मैं तेरे पास ना एक काम ना लाया हूं, देख तुम मना ना करी यार, अपने यार का दिल ना तोड़ी यार। हाँ यार, बोल क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हूँ, तेरी जो परजाई है ना, उसने मेरा जीना आराम कर दिया यार। देख, बात यह है कि उसके मायके से ना काफी गेस्ट लोग आए हुए ने, वो मेरे पीछे पड़ गई है कि मुझे नया म्यूजिक सिस्टम ला के दो। देख, सिर्फ 2 दिन की गल हैगी, अगर तू मुझे अपना म्यूजिक सिस्टम दे देना तो मैं 35-40,000 के खर्चे से बच जाऊंगा। देख तुम मना ना करी यार, तू मेरा भरा है। अरे इतनी सी बात है यार, ये तेरा अपना म्यूजिक सिस्टम है। हाँ? लेके जा इसको। मुझे पता था कि तू यारों का यार हैगा। आई लव यू। लेके जा। शुक्रिया। बड़ा बेवकूफ है। बोलिए साहब, इसका क्या करना है? पाजी, ये ना एकदम नया ब्रांड है, मैंने काली खरीदा था, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे इसके बदले ना एक नया फ्रिज दे दें, और आपको जो कुछ भी समझ में आए थोड़ा बहुत कैश भी दे देना जी। ठीक है जी, इसके बदले में हम आपको 5,000 कैश दे देते हैं और आपके घर पर फ्रिज भेज देते हैं।
और जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मान गए यार, पैसा भी अंदर और फ्रिज भी। यार तूने तो उसका म्यूजिक सिस्टम बेच दिया, उसने अपना म्यूजिक सिस्टम वापस मांगा तो क्या? हा? वो मुझसे मांगता रहेगा और मैं सुनता रहूंगा, और क्या हो सकता भाई। मान गए यार, तू तो बड़ा वो है। क्या हुए गुरु? जल्दी कर दो भाई साहब। दीपल बेटी। हाँ अंकल। इधर आओ। यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी कहिए। बेटी, सिंघानिया एंड कंपनीज के मालिक मिस्टर अशोक सिंघानिया का बेटा है मनीष। हाँ। मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है उसके साथ। अशोक ने तुम्हें एक पार्टी में देखा था, उनकी तरफ से हाँ है। अंकल ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? शादी की बात करने से पहले कम से कम मुझसे तो पूछ लिया होता। बेटा इसमें पूछने की क्या बात है, बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारी परवरिश की है, तो कम से कम इतना हक तो मुझे है कि मैं तुम्हारी जिंदगी का फैसला कर सकूं। लेकिन अंकल मैं अब कोई बच्ची नहीं रही, और अपनी जिंदगी का फैसला करने का पूरा हक है मुझे। मैं आकाश से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। देखो दीपल, अगर तुम्हें मेरा ये फैसला मंजूर नहीं तो आज तुम्हें एक और फैसला करना पड़ेगा। क्या? आज तुम्हें या तो इस अंकल की बात माननी पड़ेगी या आकाश को चुनना होगा। तो फिर मेरा फैसला ये है कि मैं आकाश को ही चुनूंगी। आकाश। अरे दीपल, तुम इस वक्त क्यों? क्या मैं तुमसे रात में मिलने नहीं आ सकती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर सब ठीक ठाक। आकाश, चाचा जी मेरी शादी जबरदस्ती कराना चाहते हैं, इसीलिए मैं हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। फिर मैंने डिसाइड कर लिया है, कल सुबह ही मैं तुमसे शादी कर लूंगी। एनी प्रॉब्लम? एक प्रॉब्लम है। वो क्या? तुम गहने और कैश तो लाई हो ना? आकाश। जस्ट जोकिंग। शादी कहाँ करनी है, मंदिर में या कोर्ट में? मंदिर में। आप लोग एक दूसरे को माला पहनाइए। अब आप इनके गले में मंगलसूत्र पहनाइए। अब आप सिंदूर लगाइए। आज से आप दोनों पति पत्नी बन गए। दीपल टेरेस से गिर गई है। What? हम उसे लेकर मातोश्री हॉस्पिटल जा रहे हैं। Oh no. मैं वहाँ पहुँचता हूँ। जल्दी कीजिए प्लीज। दिया। आकाश, दीपल। दीपल, डॉक्टर साहब, हाउशी शी इज इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। दिमाग पर चोट लगी है, इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब कीजिए ना प्लीज। इनको आईसीयू में लेकर जाओ। चलो जल्दी। सुनिए, जब तक आप 10 लाख रुपए डिपॉजिट नहीं करवा देते तब तक हम ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकते। आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू कीजिए, मैं पैसे लेकर आता हूँ। ऑलराइट। देख भाई, जो पैसे मैंने तुमसे लिए थे उसे मैंने 10 दिन पहले अपनी साली के बच्चे के इलाज के लिए खर्च कर दिए। तू तो अच्छी तरह से जानता है कि जो किराया आता है उसी से मेरे इस घर का गुजारा चलता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं शर्मिंदा हूं। वेड़ा बनावला रे, वेड़ा बनावला, वेड़ा बनावला। यार मैं तो पहले से बहुत परेशान हूँ यार, मुझे कमकल वाली औरत है ना,
तेरी परजाई, उसने ना रात को दरवाजा खुला छोड़ दिया, एक चोर आया और तेरा म्यूजिक सिस्टम चोरी करके ले गया। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा यार कि तुझे पैसे कैसे वापस दूं। तू तो जानता है ना यार कि यह कार चलता है दुकान के भरोसे और दुकान चलती है बैंक के भरोसे, वो बैंक को लोन की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है ना यार। मेरी तो इतनी बुरी हालत है कि इस वक्त मैं तेरी 1,500 रुपए की मदद भी नहीं कर सकता। मैं की करा। कोई बात नहीं, ठीक है, और मुझे माफ कर दे बेवकूफ कहीं का, मुझ पर भरोसा करना पैसी। मैं ठंडा दूध पिला फ्रिज में से। अरे आकाश, अरे सुनो, आकाश आला है। अभी अभी पीके का फोन आया था कि आकाश उसके घर पे पैसे मांगने गया था, जरूर यहाँ भी पैसे मांगने आया होगा। तुम एक काम करो, उसे बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूँ, 8-10 दिन के बाद आऊंगा, ठीक है, जाओ। गौरव, मुझे पैसों की जरूरत है। मेरी पोजीशन तो तुम जानते हो आकाश, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए अपनी ये दुकान बेच दूंगा। मेरी मुसीबत में तुमने मेरा साथ दिया था, वो बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं कल ही किसी स्टेट एजेंट से बात कर लेता हूँ। पैसों की जरूरत मुझे आज है गौरव, कल नहीं। तुम्हें अपनी दुकान बेचने की कोई जरूरत नहीं, मैं इंतजाम कहीं और से कर लूंगा। देखा क्या उल्लू बनाया, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो उसके लिए अपनी दुकान बेच दूं। साहब जी, काफी रात हो गई है, घर नहीं जाएंगे, ऑफिस बंद करना है। बैग भी चला गया, किससे पूछूं कहां जाऊं, क्या हो गया मेरे को। एक मटेगी मत, मैं हाथ। मैडम, मैडम मैं बहुत परेशान हूं, बहुत हैरान हूं, ये शहर बड़ा अजीब शहर है। मेरा बैग भी चला गया, इसके लिए मुझे एक थप्पड़ दिखाना पड़ा, लेकिन किसी ने नहीं बताया। क्या नहीं बताया? कि मुझे कहां जाना है। कहां जाना है? एक मिनट, आपको देख के लगता है कि आप मुझे जरूर बताएंगी। अब बताइए ना इसे देखकर कि मैं कहां जाऊं। अब मुझे पता चला तुम्हें थप्पड़ क्यों पड़ा। क्यों पड़ा? इसलिए। इडियट, स्टूपिड, ब्लडी फूल, बाहर में जाओ। यार ये अजीब शहर है यार, बात बात में थप्पड़ मारते हैं लोग। ऐसा मैंने क्या दिखा दिया? ओह माय गॉड, ये मैंने क्या दिखा दिया, इसलिए मुझे थप्पड़ पड़ा। फेंक इसको। वासु, नाश्ता वास्ता अच्छा लगा ना? हाँ यार, फ्रूट्स खा रहा था। अरे आकाश, आज तो छुट्टी है, तू आज भी ऑफिस जा रहा? नहीं यार, ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ आज। अच्छा, कब तक लौटेगा? आज तो थोड़ा लेट हो जाऊंगा। अरे शीतल जी, वो मेरा सामान गाड़ी में रखवा दिया। बस 5 मिनट। हाँ यार, जल्दी करो प्लीज। चल यार, तू बिजी है तो फिर मैं भी निकलता हूँ। रुक जा यार, चाय वाय कुछ और पी ले। नहीं यार, यू टेक केयर, चल, हैव अ सेफ जर्नी। ओके। क्या बात है बासु, चेहरे पर हंसी, लगता है कोई मुर्गी फंसी। फंसी नहीं, फंसने वाली है। कौन? क्या है ना, कोटी एकदम सेट करके आकाश के घर पे अपना मोबाइल छोड़ दिया, वो जाएगा और मैं पहुंच जाऊंगा। क्या बात करता है यार, अरे आकाश तो तेरा दोस्त है। अरे दोस्त है इसलिए तो उसकी बीवी पर हाथ डाल रहा हूँ, कोई दुश्मन होता ना तो उसकी बीवी से दूर ही रहता। क्या ना, दोस्त लोगों से माफी मांगकर मार खाकर बच सकते, पर दुश्मन, दुश्मन तो छोड़ेगा ही नहीं ना, समझे। मैं चलता हूँ, ऐश करो। यार अमित, मुझे आदमी ठीक नहीं लगता। अरे दोस्त है अपना, इसीलिए बिंदास बातें करता है, एकदम आमने सामने, पर दिल का बुरा नहीं है ये आदमी। भाभी जी, भाभी जी, हाँ। बस जरा मेरी साड़ी ठीक कर देना प्लीज, मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है प्लीज। बासु, हाँ।
ओ साड़ी। हाँ मैं करता हूँ ना। अरे ये क्या कर रहे हो? खेल खेल रहा हूँ। ये कैसा खेल है? इस खेल का नाम है एक साड़ी दो हाथ। हाँ। लेकिन ये खेल खेलते कैसे? बहुत मजेदार खेल है, खेल के देखो। हाँ? आओ मैं दिखाता हूँ। ए बासु उठ, क्या कर रहा है? आकाश तू यहाँ? वो कहाँ है? कौन कहाँ है? सपना देख रहा था क्या? हाँ यार सपना ही देख रहा। अच्छा कौन सी सपने में बता? तुझे नहीं बता सकता यार। अरे क्यों नहीं बता सकता यार, बता बता कौन थी। अब समझा कर यार, तुझे नहीं बता सकता मैं। अच्छा चल ठीक है, ये ले अपना फोन, मेरे घर पे भूल आया था। हाँ मैं चलता हूँ, तू सपना देख। बच गया बेटे, नहीं तो आज तो तेरी लग जाने वाली थी। सपना देख रहा था, वरना वो कमीना शीतल के साथ चाचूची। शीतल तेरी गली के चक्कर काटते काटते कुत्ते हमारे यार बन गए, तू तो हमको मिल ना सकी, हम कुत्तों के सरदार बन गए। शीतल मैं अब सोता हूँ, तू मेरे सपनों में आना, मैं तेरे साथ चाचूची करूंगा। सुनिए सुनिए, ये पांव है। सर कहाँ गया? सर यहाँ है। क्या सोने का टाइम है? सो तो अब रहा हूँ, पहले तो मैं सपना देख रहा था। सपना? कैसा सपना? मैंने सपने में देखा। हाँ? कि आकाश शीतल के साथ थाईलैंड के आइलैंड में मतलब हनीमून कर रहा है। वो क्या हनीमून मनाएगा, उसने तो अभी तक उस बेचारी के साथ सुहागरात भी नहीं की। सुहागरात भी नहीं की? हाँ, अभी तक उसे टच भी नहीं किया। टच भी नहीं किया? तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? एक्साइटेड कौन हो रहा है, मैं तो उदास हो रहा हूँ। क्यों? बेचारी शीतल। क्या बात कर रहा है? हाँ अरे मुझे पता तो था उन दोनों में टेंशन है, पर टच नहीं किया ये नहीं पता था। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, लेकिन ये बात किसी से कहना नहीं, ये बात अपने पेट में ही रखना। हाँ वही क्या कह रहा है। हाँ आकाश और शीतल ने तो अब तक सुहागरात भी नहीं मनाई। अच्छा? हाँ लेकिन ये बात किसी को बताना मत। हाँ, हाँ, हाँ बिल्कुल नहीं दसंगा, टेंशन ना लई, मेरा चांस ब्राइट हैगा। अच्छा क्या ये सच है? हाँ अभी तक आकाश ने शीतल के साथ हाँ? लूलू चूचू कुछ नहीं किया। हाँ? लेकिन ये गल किसी को दसी नहीं, अपने पेट ही रखी। क्या बात है। करोड़ों में है इनकी हर इस्माइल, जिसको चाहे बरते भी है इश्क प्यार की चाबी।
मुझे दे दो बुक। क्यों परेशान कर रही हो? ओए, ये तो पंजाब की तीखी मिर्च लग रही है। शीतल मुझे पढ़ना है, मुझे बुक वापस दो। ओए थकेले, दोनों हो घर में अकेले। पीके कोई नहीं। शीतल क्यों परेशान कर रही हो? इसकी जगह मैं होता तो मजा आता। सो ना तुम यार, मुझे पढ़ने दो। क्या नजारा है, बेचारी तड़प रही है, प्यार देना चाहती है और ये लेना नहीं चाहता। अरे काश मैं इसकी जगह होता तो मैं इसका। ये बासु कैसे आ गया? वो भाग बासु। गरम है और वो गधा रबर की तरह नरम। साला कुछ करता ही नहीं यार। लाइव टेलीकास्ट देखने, पिक्चर देखने से पहले ही अंधेरा हो गया। ओह शिट। साले ऐसे कूद रहे थे जैसे मेरी पिटनी कबड्डी का मैदान हो। या तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। कुछ भी सिंह, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। उन्हें की करा। ओ क्रेन मंगाओ, मेरी पिट टूट गई। हरामजादे उल्लू के पाठे कहीं के। हा? हा? बासु तेरी तो निकल पड़ी। कुजा कुजा पानी में, जल्दी शॉट उतार, निकल जा। ए, जल्दी जल्दी जल्दी। सॉरी। मुझे पानी भिगा कर, इतनी मेहनत कराकर प्यासा ही छोड़ के चली जा रही है। Oh, my God.
स्टॉप। शीतल। हाय आकाश। हाय। किसी का फोन आया था? हाँ, किसी गिरीश का फोन आया था। ठीक है। चाय बनाऊं? नहीं यार। नाश्ता तैयार करूं? नहीं यार, बहुत थका हुआ हूँ, बस नहा धो के थोड़ा आराम करूँ। ओके। मौसम से इतनी बदबू, कोई भी मर जाए। चल भाग यार, दिन खराब हो गया। बिना बिना बताए पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। हाँ, मेरी बीवी इधर ही आ रही है, छुप ले ले ले। हाय दिया भाभी, पीके यही है ना? नहीं भाभी, वो यहाँ तो नहीं है, आप अंदर आइए ना। नहीं नहीं, अभी नहीं आ सकती, मुझे शॉपिंग के लिए इनके साथ बाहर जाना था, पता नहीं कहाँ चले गए। कोई बात नहीं, मैं बासु के यहाँ देख लेती हूँ। Okay. ठीक है, बाय बाय। शीतल जी, वो मेरे डॉक्यूमेंट कहाँ रखा? नहीं पता, मैंने तो नहीं रखा। अच्छा लिसन, मुझे शॉपिंग करने जाना है, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। अच्छा एक काम करो, दरवाजा बाहर से बंद कर लेना, मैं कुछ देर आराम करने जा रहा हूँ। ओके, ठीक है। सब घूम रहा है, मेरा घर घूम रहा है। आएगा मिलो रे मिलो, आएगा आएगा। ढोकियाला लाग रे ढोकियाला लाग रे आएगा। इसे कहते हैं जब किस्मत हो आंडो, तो क्या करेगा पांडो। तुनु तुनु ओ तुनु तुनु ओ तुनु तुनु। ओए कुछ भी। ओए आकाश, तू सती सोए रे? की होया, सब ठीक ते आगा ना? हाँ यार, मैं दो दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। हाँ। तो तू जरा घर का ख्याल रखना। हाँ? ओए तू फिकर ना कर आकाश, तू बेफिकर होकर दिल्ली जा, तू टेंशन न ले, मैं हूँ ना इधर। चल ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय। ओके आकाश, ओए टेक केयर। ओए केयर ते मैं करांगा तेरे घर और घर वाली दोनों दा। कुछ भी सिंह, आज मौका है अच्छा, रात नू लगा ले छक्का। ओ नमस्ते पापी जी। कुछ भी जी, आप इतनी रात को? मिलने दा मजा ते राती ची आएगा डार्लिंग। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं पापी जी, कैसे कहूँ, कहंदी हिम्मत नहीं हो रही है। एक तो रात दा वक्त हैगा और आप अकल ली है। तो क्या हुआ, क्या आप मुझे अपना नहीं समझते? कैसी बातें कर रही है पापी जी, मैं तो आपको सिर्फ अपना ही समझता हूँ। जी जी जी, क्या हुआ, क्यों इतना संकोच कर रहे हैं आप? नहीं पापी जी, दरअसल बात यह है कि मेरे घर में ना अचानक चंडीगढ़ से बहुत सारे गेस्ट आ गए हैं। घर में ना पैर रखने की जगह नहीं है और बाथरूम भी पूरे भरे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज दी रात में यहाँ, मतलब आपके घर सो जाऊँ, अगर आप इजाजत दे तो। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, आप आइए ना जी। मेरा मतलब है, यूं ही खड़े हुए बाहर बातें ही करते रहेंगे या फिर सोएंगे भी? जरूर। मैं आपके लिए चद्दर वगैरह लाती हूँ, आप आराम से सो जाइए, आइए। मैं आपके लिए तकिया और चद्दर लाती हूँ, तब तक आप यहाँ बैठिए। भाभी जी, एक ग्लास दूध भी ले आना। ओके। वाहेगुरु जी, सो आज तो मेरी लाइफ ही बन गई। लेकिन पापी जी मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही थी? कई मेरे अंदर के मर्द को देखकर ओदे अंदर का दर्द ते नहीं जाग गया? कसम से जाने मन, आज सारे दर्दों की दवा बन जाऊंगा मैं तो। हे तुनु तुनु ओ तुनु तुनु ओ तुनु तुनु ओ ताना ना, तुनु तुनु ओ तुनु तुनु ओ तुनु तुनु ओ ताना ना, होले आ गड़ पला ला ली ला वलो।
ये रहा आपका दूध, थैंक यू। और ये तकिया और चद्दर, और ये घर की चाबियाँ। चाबी क्यों पापी? वो दिया भाभी का फोन आया था, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा हुआ आप आ गए, इस तरह घर की रखवाली भी हो जाएगी। सो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, सी यू। काय की स्वीट ड्रीम, मैं तो पहली बॉल पे छक्का मारने आया था लेकिन बिना बॉल खेले आउट हो गया। अब मैं दूध दागी करा, अचार डाला। ओके बसु बाय, मैं ऑफिस जा रही हूँ, खाना हॉटकेस में रखे, टाइम पे खा लेना। तुम कितनी अच्छी हो डार्लिंग, बाय, टेक केयर, आई लव यू। अरे मेरी जान, मुझे देखते ही पागल हो जाते हो। क्या इतनी कशिश है मेरे बदन में? अरे एकदम चुंबक है चुंबक। लगता है मेरी बीवी आ गई, जल्दी वापस जाओ, वापस जाओ। सर यहाँ हूँ। क्या है? कहाँ है? कौन कहाँ है? वो कहाँ है? वो कौन बताइए ना सर, वो कहाँ है? कबर्ड में। कबर्ड में? सर कबर्ड में कैसे हो सकता है? अबे क्या कैसे हो सकता है, क्या पूछ रहा है? सर चिल्लाइए मत, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये पता कहाँ है? इसकी माँ का। अबे मेरे घर को क्या इंक्वायरी काउंटर समझ के रखा है, बजाने से पहले ही बजा दी। ये क्या हो रहा है यार, ये मेरा गाल है या क्रिकेट की बॉल है जिसको देखो चौके छक्के मार रहा है? फिर कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। कुछ भी बोल रहा है यार तू। ये कैडी गाय का दूध है यार, चढ़ गया मेनू यार। कुछ अरे यार आकाश, हाँ तू लगी है यार। वो तो हुई साला, दो दो शादी, साला इधर एक भी नहीं हुआ, साला सारा दिन फोन का ट्रिंग ट्रिंग सुन के पक गया यार। ये टू इमोशनल है, पका हुआ आम है यार। तू चुप कर यार, चुप कर। सुन यार, यार तुम लोग नहीं होते तो मेरा क्या होता? तुम पका हुआ आम यार। तू मैंने कल दस, तेरी माँ ने तेरा नाम पी के ले ले क्यों रखा? पी का मतलब है पदम, के का मतलब है कुमार, और ले ले का मतलब है पी के ले। पी के, अब इसमें मेरा क्या कसूर भाई, नाम है ले ले। आकाश अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या प्रॉब्लम है शीतल, किस चीज की जरूरत है? जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे दोस्तों से ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम अंदर चलो, मैं तुमसे बाद में आके बात करता हूँ। क्या बात करूंगी मैं अंदर जाकर, आज तक कभी कोई बात की है तुमने मुझसे अंदर जाकर? कभी मेरी जरूरतों को समझा? हमेशा दोस्त दोस्त और दोस्त, पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात तुम अपने दोस्तों के साथ बिताते हो, कभी एक पल भी मेरे साथ बिताया तुमने? क्या चाहती हो तुम, सारा दिन तुम्हारी गोदी में सर रखकर लेटा रहूं या तुम्हें गोदी में लेकर सारा शहर घुमाऊं? अगर तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं था तो फिर शादी क्यों की? दिमाग खराब हो गया था मेरा, पागल कुत्ते ने काटा था। तुम अच्छी तरह जानती हो शादी मैंने घर वालों के दबाव में आकर की थी, अपनी खुशी से नहीं। क्योंकि दीपल को ना तो मैं आज तक भुला पाया हूँ और ना ही भुला पाऊंगा। तुम्हें इस घर में रहना है तो इसी तरह से रहना होगा। पीके जी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कल रात जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, कब तक आप अपनी जिंदगी और जिस्म की जरूरतों से भागती रहोगी? मतलब तुम अच्छी तरह से समझती हो आकाश के साथ रहकर तुम्हारी ये खूबसूरत जवानी रेगिस्तान की रेत की तरह सूख जाएगी। मुझे तो लगता है मेरे अंदर ही वो बात नहीं कि मैं आकाश को अपनी तरफ आकर्षित कर सकूं। नहीं 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 नहीं, कैसी बातें कर रही हो तुम? ये बात तुम अपने मर्द से नहीं, बाहर वाले मर्दों से पूछो कि तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारी जवानी तो
महाराष्ट्र के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन महाबलेश्वर की तरह है। क्या बात कर रहे हो, छोड़कर करूंगी क्या? अपना घर लो और अलग से रहो। लेकिन घर लेने के लिए पैसे चाहिए, किसी का सहारा चाहिए। मैं दूंगा तुम्हें पैसे। मैं दूंगा तुम्हें सहारा। सच? हाँ। लेकिन बदले में तुम क्या लोगे? बदले में मैं क्या लूंगा बताऊं? तुम्हारा साथ। मेरा साथ? हाँ। क्या सचमुच देंगे आप मेरा साथ? बताइए ना। मरते दम तक मरना पंतुला नहीं छोड़ना। थैंक यू। आप कितने अच्छे हैं। बस अब आप किसी तरह 10 लाख का इंतजाम कर दीजिए। क्या हुआ? कम है? 10 लाख में मेरे रहने का इंतजाम नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, कम नहीं है। 10 लाख सुनकर मेरी गग गग, लेकिन तुम्हारे लिए मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। हाउ स्वीट। आप इतने अच्छे क्यों हैं? आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? अब मिल गया हूँ ना, सर्फ की तरह रगड़ रगड़ कर इस्तेमाल करना। ओके, अब मैं चलती हूँ। आप बस जल्दी से 10 लाख का इंतजाम कर दीजिए। 10 लाख बस। ओके गौरव, रात को मिलते हैं। बाय बाय। भाभी जी, क्या बात है, आज आप बिना मिले चली जा रही हैं? क्या करूं, किसी से मिलने का दिल ही नहीं करता। मैं समझ सकता हूं भाभी, लेकिन आप कब तक ऐसे आकाश को झेलती रहेंगी? आपको कोई ना कोई सहारा चाहिए। आप देंगे मुझे सहारा? क्या, आइए ना अंदर, आइए ना, प्लीज प्लीज आइए ना, आइए। बैठिए। थैंक यू। भाभी जी, आप कुछ वो सहारा सहारा कुछ बोल रही थी बाहर। एक आप ही तो हैं जिस पे मुझे पूरा भरोसा है। आप तो जानते ही हैं, आकाश ने आज तक मुझे छुआ तक नहीं है। मैं भी औरत हूँ, मेरे दिल में भी कुछ अरमान है, कुछ ख्वाहिशें हैं। और मैं जानती हूँ मेरी सारी ख्वाहिशें सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। भाभी जी, पीछे गुलमोहर लॉज है, वहाँ चलें। मुझे कुछ घंटों का नहीं, पूरी जिंदगी का सहारा चाहिए। मैंने सोच लिया है, मैं अपना अलग से घर लूंगी ताकि हमारे प्यार के बीच किसी की रोक टोक ना रहे। सही सोचा है शीतल, सही सोचा है। ले डालो अपना घर। इसीलिए तो आई हूँ, आपकी मदद चाहिए। बस थोड़े से पैसे चाहिए। थोड़े क्यों, पूरे ही लो ना शीतल। नहीं 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 नहीं, पूरे पैसों की जरूरत नहीं है, बस थोड़े से 7 लाख। क्या हुआ? कम है, इतने में घर नहीं आएगा तो ठीक है, आप पूरे 10 लाख। नहीं नहीं, बहुत है बहुत है, मैं आपको 7 लाख में ही घर दिलवा दूंगा। ठीक है, अब मैं चलूं। जल्दी कीजिएगा। हाँ, हाँ। मुझसे और इंतजार नहीं होता। मुझसे भी। आए, बाय बाय। 7 लाख में अगर 5 साल भी ये तेरे साथ रही गौरव, तो 383 रुपया पर डे। 383 रुपया पर डे में ऐसी आइटम बुरी नहीं है गौरव। अब तो 7 लाख का इंतजाम करना ही पड़ेगा। हाँ। ओए, ये क्या कर रहा है तू? बेचने वाले माल को इस्तेमाल कर रहा है और परफ्यूम क्यों लगा रहा था? वो मैं तैयार हो रहा था, शीतल भाभी के पास सामान लेके जाना है। ओए, मेरे माल का माल लेकर तू जाएगा? हाँ? चल साले, गल्ला संभाल, मैं उसको संभाल कर आता हूँ, और ये परफ्यूम इधर ला। एक तो मेरी दुकान का माल काका के मोटा हो गया, मेरे माल पे डोरे भी डालेगा। ले इसको वापस रख दे, और सामान कहाँ है? उधर है। हाँ? बड़ा भारी सामान है, वहां तक पहुंचूंगा तो खुशबू चली जाएगी और पसीने की बास आनी शुरू हो जाएगी और भाभी मुझे देखकर भाग जाएंगी। ओहो भाई, ये एड्रेस बताएंगे? एड्रेस तो मुझे मालूम है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा यार। अभी नहीं बताओगे? हाँ। तो फिर कब बताओगे? देख यार, अभी मैं वो टेंशन नहीं चाहेगा, मुझे जानते किसी और से पूछ लेंगे। एक मिनट, ये एड्रेस बता दीजिए, टेंशन दूर हो जाएगी। हाँ? हाँ। तुम्हारी टेंशन तो दूर हो जाएगी, मेरी टेंशन का क्या, वो तो वही की वही रहेगी ना यार। नहीं, लेकिन आपकी टेंशन है क्या? प्रा, गल ये आएगी
कि डॉक्टर ने ना मुझे भारी सामान उठाने से मना किया है। मेरे ना दोनों बाजू बड़े कमजोर है, लेकिन बीवी का ऑर्डर है कि सारा सामान ना मुझे घर पहुंचाना है। अगर सामान उठाता हूँ तो दोनों बाजुओं से जाता हूँ, और अगर सामान घर तक नहीं पहुंचाता तो बीवी की खाता। बहुत बहुत बड़ी टेंशन है। तू दस में की करा यार। एक काम कीजिए ना, वो ऑटो ले लीजिए ना, रिक्शा। अच्छा हाँ। अरे चार कदम की दूरी में मेरा कर आएगा तू ऑटो। यार तू मुझे आइडिया ना दे यार। इसीलिए कह रहा प्रा, तू ये सारा सामान उठा ले और मेरे घर तक छोड़ दे, मैं तुझे एड्रेस भी बता दूंगा। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। देख प्रा, मुझे ये मालूम नहीं कि ये ब्लैक है कि ब्लैकमेल है कि ब्लैक फ्राइडे है, समझा? और एक बात बता दूं, ये जो एड्रेस है ना, इतना डिफिकल्ट है कि पूरे मोहल्ले में तुझे कोई नहीं बता सकता। अब तेरी मर्जी है, मैं सामान उठा के चलता हूँ। इतना डिफिकल्ट? अब एक मिनट, ठीक है, लाओ। ले लो। और जल्दी उठा। हाँ, उठा, जल्दी उठा लो। हाँ, उठा। बनियान के ऊपर टाई लगा के घूम रहा है, जल्दी कर। अरे बाप रे, कितना भारी है। वाह गुरु वाह, पूरा दिन हाथों से पैसे उछलते हो और अपना काम दूसरों से कराते हो, मान गए उस्ताद। और जल्दी कर यार, क्या बीमार पहल की तरह किसड़ रहा है। ला सामान दे, पहुंच गए कार। पहुंच गए? हाँ हाँ। अगर ये घर थोड़ी दूर और होता तो मैं तो मर गया था। अरे अभी तू बहुत जवान है, अभी नहीं मरेगा, तू उधर बैठ कर आराम कर, मैं हुणे आया। अरे हुणे कहाँ आया, मुझे ये एड्रेस बता दे, मैं जाता हूँ। और बताता हूँ यार, मैं हुणे गया और हुणे आया, तू दो मिनट आराम कर, मैं दो मिनट चाया प्रा, आराम कर तू, मैं आया। एक दो। अरे अरे यार, दो मिनट बोल के दो घंटे मत लगा देना भाई। कमाल है यार, ये क्या हो रहा है, हमाल बना दिया यार, गुली की तरह बिठा दिया, अभी जैसे भाड़े का इंतजार करो। भाभी जी नमस्कार, आपका सामान लाया हूँ जी। अरे आप क्यों लाए? आपसे मिलना था जी। उस रात के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगता प्या, बहुत बुरा किता आकाश ने तुम्हारे नाल। जो हुआ सो हुआ, मैंने भी सोच लिया है, अब मैं अपना घर लेकर आकाश से अलग हो जाऊंगा। बस किसी तरह 8 लाख का इंतजाम हो जाए। ओ भाभी जी, मैं दूंगा जी आपको 8 लाख। 8 लाख ही होंगे ने, बस तुसी अलग हो जाओ, छोड़ दो आकाश नु, छोड़ दो। लेकिन आप क्यों मेरी मदद करेंगे? ताकि बाद में आप मेरी मदद कर सके, दुनिया ऐसी चल दी है ना। पहले आप 8 लाख का इंतजाम कर दीजिए, फिर हम साथ साथ हैं। ठीक है भाभी जी, मैं उन्हें पैसों का इंतजाम करता हूँ, उन्हें करता हूँ। थैंक यू, मैं आपके सामान के पैसे लाती हूँ। यू आर ऑलवेज वेलकम जी, टाटा। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? मैं वो कर रहा हूँ जो अब सारी जिंदगी करनी है भाभी जी। लेकिन वो सब तो 8 लाख मिल जाने के बाद ही होगा। ठीक है भाभी जी, आज तो सामान दे पैसे माफ, ते एक टोकन तो दे दे। भाभी भाभी जी, कहाँ छुपा, कहाँ छुपा? बैठ के नीचे। अरे दिया भाभी आप। हाँ, ड्रेस चेंज करने आई हूँ, हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, कोई जगह ही नहीं है। ठीक है, आप बाथरूम में चेंज कर लीजिए। अरे बाथरूम में क्यों, बेडरूम में क्यों नहीं? बेडरूम में मुझे देखने के लिए कौन बैठा है? आप बाथरूम में चेंज कर लीजिए ना प्लीज। ओहो, बाथरूम में कपड़े गीले हो जाते हैं, समझा करो। तो यही रहे, मैं अभी आई हूँ। अरे बस, अरे दिया भाभी सुनिए, आज तो तेरी किस्मत जोरों में है, आया था मल्लिका शेरावत को देखने और साथ साथ बिंदु भी दिख गई। ओए होए, ए ए भाई साहब, ए भाई साहब, कहाँ जा रहे हो यार? क्या हुआ, कौन हो भाई साहब? मुझे पहचानते नहीं? अरे यार, तुम्हारा इतना सारा बोझा उठाकर मैं यहाँ तक लाया, तुमने बोला घर तक सामान पहुँचा दो, वहाँ जाके एड्रेस बता दूंगा, अब मुझे पहचानते नहीं? कौन सा एड्रेस भाई साहब? ये वाला भैया। ओ कहाँ जगह? अरे यार, तुमको मालूम है, तुमने बोला था, तुम्हें मालूम है, तुम बताओगे एड्रेस? देखो भाई साहब, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मेरा ना दिमाग पहले से कुम्या हुआ है, मैं अंदर गया था मल्लिका ने मिलने, तो मिल के पिंदु, तो मेरा रास्ता ना रुको, जान दो मेनू। मुझे बेवकूफ समझा है क्या, उल्लू का पट्टा हूँ क्या, गधा हूँ क्या मैं, अलीबाग से आया हूँ क्या मैं? तू मुझे कुर्रे है,
घुमा के एक थप्पड़ मारा जाए सारी उम्र घूमता रहेगा, मेरा रास्ता ना रोक जड़ दे। एक नंबर का झूठा, वहाँ कह रहा था कि डॉक्टर ने तुझे हाथ उठाने को मना किया है कि तेरे हाथ कमजोर है, यहाँ तू मेरे ऊपर हाथ उठाएगा बोला था डॉक्टर ने, लेकिन मेरे हाथ इतने भी कमजोर नहीं है कि घुमा के मारूंगा एक थप्पड़। दिमाग खराब करता है मेरा। ये क्या हो रहा है यार, मेरे ये गाल तबला है क्या जिसको देखो बजा के जा रहा है। शीतल तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, सच बताऊं तुम्हें देखने के बाद मुझे किसी और को देखने का दिल ही नहीं हुआ। बासु जी आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। लेकिन मैं कभी कुछ कह ही नहीं पाई, वो क्या है ना कि आप शादीशुदा है ना। अरे वो मेरी बीवी की चिंता आप मत करिए, आप कहेंगे ना तो आज रात ही उसे टेरेस से धक्का देके मार दूंगा। नहीं, 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 प्लीज ऐसा मत कीजिए। अच्छा आप बस मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दीजिए। अरे छोटा क्यों, आप बड़ा काम बोलिए ना, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ठीक है आप मेरे लिए बस 5 लाख का इंतजाम कर दीजिए प्लीज। वो क्या है ना मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना अच्छा सा अलग सा घर ले लूँ जहाँ आप और मैं प्यार और शांति से रह सके। बस 5 लाख। अरे आपके लिए तो मैं 10 लाख। 10 लाख? नहीं नहीं 5 लाख। 5 लाख का इंतजाम तो मैं कहीं ना कहीं से कर ही लूंगा। ओके थैंक यू। क्या बात है बासु, बड़े खुश लग रहे हो, कहीं जुगाड़ हो गया क्या? समझ लो हो गया, मैंने उसे प्रपोज कर दिया और उसने फौरन हाँ बोल दी। यार क्या बात कर रहा है यार, बनती थी पतिव्रता और बन गई चारू लता। और उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है, अगर मैं उसके लिए पैसे का इंतजाम कर दूं तो मेरे लिए फुल टाइम ऐश का सामान बन जाएगी, थोड़ा सा कैश और फुल टाइम ऐश। यार यार लड़कियों के मामले में तू बड़ा किस्मत वाला है। अब क्या करे दोस्त, औरतों के मामले में हमारी किस्मत कुछ ऐसी ही है। ए तू कहीं जाने वाला था ना? हाँ 2 दिन के लिए जरा बाहर जाने वाला हूँ। अच्छा चल मैं निकलता हूँ। बाय। यार पता नहीं क्यों मुझे ये आदमी गड़बड़ नजर आता है। अमित इससे बच के रहना यार। अरे यार ये दोस्त है अपना, अपने को इससे कोई टेंशन नहीं है, अपने साथ ये कभी बुरा नहीं करेगा समझे, तुम मेरी इस बात को याद रखना। सुनिए जी हा? आपके जो दोस्त आए थे बासु वो अपना मोबाइल हॉल में भूल गए हैं। क्या? अच्छा वो जब वापस आएंगे उन्हें मोबाइल दे दीजिएगा। देखा इसकी माँ का, अब किसे गाली देता है, जब दूसरों की बीवियों के बारे में बात कर रहे थे तब तो बड़े खुश हो रहे थे। ए चारू लता देख अमित, ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते हैं। तू ठीक कह रहा यार। आह क्या आइटम है, आह क्या आइटम है, क्या है छकास, वाह तेरी खुदाई, कैसी रे कैसी हाय चीजें बनाई, क्या है छकास, वाह तेरी खुदाई, कैसी रे कैसी हाय चीजें बनाई, जो भी इनको देखे सारा देता दिल को डाल, जो भी इनको देखे सारा देता दिल को डाल, पहले जाके भाई अपनी बीवी को संभाल, अच्छी लगती बाजू की सांबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, हाँ अच्छी लगती बाजू की सांबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। कैसा ये सिस्टम है, कैसा ये सिस्टम है, क्या मांगे अंगूठी, देबो अमी तो के गाड़ी यार कूटी, जाबो रे जाबो रे जाबो रे संगे खंडाला चपाटी, जाबो रे संगे खंडाला चपाटी, चारे खड़ूस तेरी नियत है खोटी, छोड़ मेरा पीछा संभाल तेरी धोती, खाए रे खाए रे खाए उधार लेके भात माच रोटी, उधार लेके भात माच रोटी। खिलता
ना हुआ तार रूप छे गोरी होय तोबा तोबा दिल कर चोरी किस करूं किस करूं किस करूं और कह दूं तुझे सॉरी किस करूं और कह दूं तुझे सॉरी तू भी सयाना है जाने टपोरी ठोकला खिला के बताए तू छोरी सिग्नल पे सिग्नल पे ए बाबा सिग्नल पे बैठ जाके फैला के झोली सिग्नल पे बैठ जाके फैला के झोली चपने देखूं दिन में तेरे पास आ जाए रात को मेरे चैन मुझे आ जाए जो आए बाहों में है तू मेरी जो आए बाहों में है तू मेरी बाहों में है तू मेरी जो आए बाहों में है तू मेरी हर गली में शोर है ये तू मेरी दिल चोर है ये जब भी मैं जाऊं जिधर मैं देखूं तेरी कयामत नजर हूं देखूं तारी कयामत नजर मैं देखूं तेरी कयामत नजर हूं देखूं तारी कयामत नजर ये बापो आह क्या आइटम है आह क्या आइटम है एक मिनट रुको अब मुझे बिल्कुल सही आदमी मिला है क्योंकि एक हवलदार को हर एड्रेस का पता होता है क्योंकि वो हवलदार हर गली चौराहे पर छांव हो या धूप हो गर्मी हो या बरसात हो खड़ा रहता है तो ए हवलदार बता ये एड्रेस कहाँ है ए, तुझे हवलदार दिखता हूँ मैं ओह सॉरी आप चपरासी क्या बोला अबे चपरासी बोला मुझे ओ सॉरी 100% जमादार तो हैं आप अबे तुझे जमादार दिखता हूँ मैं तुझे हवलदार दिखता हूँ मैं है ये दोस्तार नहीं दिखते तुझे इंस्पेक्टर हूँ मैं इंस्पेक्टर अबे जा नहीं तो एक और मारूंगा तुझे तेरी अरे यार मेरा गाल क्या धोबी घाट है जिसको देखो धोखे जाता है अब पुलिस भी धो रही है अपने गाड़ी और दुकान के पेपर जो हमारे पास गिरवी रखे हैं उसके बदले में ये रहे 7 लाख रुपए थैंक यू चलो गाड़ी और दुकान के कागजात गिरवी रखकर 7 लाख तो इकट्ठा हुआ अब तो शीतल मेरी है हाय गौरव हाँ गौरव सुना है तूने ये दुकान और गाड़ी गिरवी रख दी हाँ यार गिरवी रखनी पड़ी तेरे पास कुछ पैसे आए होंगे यार मेरे पैसे ही वापस दे दे यार मेरे अंकल की तबीयत खराब है उनके इलाज के लिए सब गिरवी रखना पड़ा बस तू थोड़े दिन और रुक जा कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम करके तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा चल सारे छोड़ यार आधे ही पैसे दे दे क्या दे लगा रखी है तू मेरी प्रॉब्लम नहीं समझता यहाँ पे किसी की जान का सवाल है इसमें से मैं तुझे 1 रुपया नहीं दे सकता तू जा यार पैसे आएंगे तो मैं खुद लाकर दूंगा ना तू जा जा यार ओके आए शीतल डार्लिंग इसमें से मैं कैसे दूं किसी को ये तो तेरे लिए मैं आया शीतल मैं आया ठीके? ले ले शीतल कहाँ जा रही हो तुम मेरे साथ बाहर जा रही है बाहर जा रही है मतलब साफ है ये मेरे साथ रहना चाहती है तुम्हारे साथ नहीं शीतल तुम अंदर जाओ आपका माना अंदर जाए अंदर नहीं जाएगी क्या झुक कर इधर कर ये लात मारी ओ मैं सपना देख रहा था सपना अब हकीकत है वाट लावली एक ले ले इस चुड़ैल के होते हुए तो कुछ नहीं ले पाएगा इससे पहले ये बुरा सपना बुरी हकीकत में बदल जाए पैसों का इंतजाम कर और शीतल को लेकर हो जा भाई जगह तो ये कमाल की है पीके साहब मुझे बहुत पसंद आई अगर आपको ये जगह पसंद है तो निकालिए 10 लाख रुपया आज से ये कॉटेज आपकी हुई
लेकिन साहब मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि रातों रात आप किराएदार से यह बंगला खाली कराकर इतना सस्ता क्यों बेच रहे हैं भाई। दो साल के बाद तो ये 20 लाख रुपए का हो जाएगा। अरे वो दो साल के बाद औरों के तो बच्चों की माँ बन जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं। आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। सॉरी मेरा मतलब है कि ये जगह मैं इमरजेंसी में बेच रहा हूँ। अगर आपको ये जगह पसंद है तो निकालिए 10 लाख रुपया रोकड़ा। लफड़ा सेठ मैं बासु। लफड़ा सेठ मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे पैसे की इतनी सख्त जरूरत है। अगर 5 लाख रुपए मुझे नहीं मिले तो मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्या जरूरत है? जिस्म की जरूरत। मेरा मतलब है किसी की जान बचानी है। जान मिलेगा, पैसा बरोबर मिलेगा, लेकिन बरोबर टाइम पे वापस करने का, 1 महीने के अंदर। बराबर। और याद रखना, लफड़ा सेठ 10% ब्याज पर पैसा देता है। और टाइम पर वापस नहीं मिलने पर मैं इतना मारता है कि सामने वाला 10 साल तक बिस्तर पर हकता मुत्ता है और उसका हाथ पैर दोनों तोड़ देता है। समझा क्या? मुझे मंजूर है। मैं पैसे एकदम टाइम पर लौटा दूंगा, और अगर नहीं लौटा पाया तो मेरी बीवी लौटा देगी, वो गवर्नमेंट ऑफिस में काम जो करती है। ठीक है बर्मन, हाँ से इसको 5 लाख रुपया दो और पेपर पर साइन ले लो। और एक काम करो, अपना छोकरा लोग को भेजकर इसका घर देखने को बोलो और साथ में इसका बीवी भी। ठीक है लफड़ा सेठ, ऐ चलो। ये रहा 8 लाख रोकड़ा, और आज से तेरी ये दुकान अपन के पास गिरवी। एक बात याद रखने का, 14% ब्याज और पैसा ऑन टाइम। टाइम का ऊपर नीचे हुआ ना तो अपन दिन दहाड़े इधर घुस के तेरी दुकान पे कब्जा कर लेगा। मंजूर? हाँ मंजूर है जी, मंजूर है। ठीक है चलो। जी साहब। वाह पाजी वाह, बड़े बड़े देखे थे लेकिन आपने तो सबको पीछे छोड़ दिया। सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने 25 लाख की दुकान गिरवी रख दी और मेरे पेट पे लात मार के मुझे सड़क पे बिठा दिया। और चुप कर खोते दे पुतर। तुझे की पता इस चीज में कितना मजा आंदा यार। मेरे दादाजी कहा करते थे कि ये एक ऐसा दलदल है जिसमें बड़े बड़े हाथी डूब जाते हैं। 8 बजे एग्जैक्ट 8 बजे आना, लोकल कॉल घुमाना या फिर STD लगाना। ISD भी लगा सकते हो, मैं तो इंटरनेट हूँ। जहाँ भी जाओगे एक नई साइट पाओगे। बस अब और बर्दाश्त नहीं होता, मैं ठीक 8 बजे पहुँच जाऊँगा पूरे पैसे लेके। अरे सुनो। हाँ। ठंडे पानी से नहा के आना। ठीक है बाय। क्या 8:30? ये तो बहुत लेट हो जाएगा भाभी जी। वो क्या है ना कि मुझे 9 बजे सोने की आदत सी पड़ी हुई है। आओ तो सही, ऐसा लेट आऊंगी कि उठने का नाम नहीं लोगे। भाभी जी मैंने तो कितनी रात बिना सोए ये सपना देखा है कि मेरा आपके साथ सोने का सपना कब पूरा होएगा। बस तुम आ जाओ, आज रात ऐसा सपना दिखाऊंगी कि हमेशा के लिए आंखें खुल जाएंगी। कुछ भी, तुमने कभी 3 माले की मार्केट देखी है? नहीं भाभी जी कभी नहीं घुमा। आज रात मैं घुमाऊंगी। जरा संभल के आना, कहीं खो न जाओ। आप टेंशन न लो भाभी जी, मैं कमर में रस्सी और पैसे साथ लेके आऊंगा। तो ठीक है, आज शाम तुम्हारी शॉपिंग की जिम्मेदारी मेरी। थैंक यू जी, मैं ठंडा होकर आता हूँ जी। क्या बात है बासु, ट्रेलर देखकर हिचकी आ गई? अभी तो पूरी फिल्म देखना बाकी है, जानना निकल जाए। अरे जब ट्रेलर इतना खूबसूरत है तो पिक्चर तो एकदम टाइटैनिक होगी। पैसों का बंदोबस्त हो गया? हाँ पूरा हो गया। तो ठीक है, आज रात 9 बजे का शो सिर्फ तुम्हारा। मांगो। स्टॉल से लेकर बालकनी तक जहाँ से भी चाहो पूरी फिल्म देख सकते हो। पूरी फिल्म? अधूरी फिल्म मैं दिखाती नहीं। आज रात 9 बजे आता हूँ मैं। ओके। आइला 9:30 आई शपथ, तब तक तो मैं मर जाऊंगा। नहीं मरोगे पीके, मैं तुम्हें सुराही का अमृत पिला पिला कर जिंदा रखूंगी। पहले तुम अपने घर में किराएदार रखते थे, अब मैं तुम्हें अपने घर में किराएदार रखूंगी। सारा का सारा घर तुम्हारा, छोटी से लेकर बड़ी कोठी तक, कहीं भी चाहो घूम सकते हो।
आज मैं आधी बाटली चमन प्राश खाऊंगा, दो चमन शिला जीत भी, काम शास्त्र के अंदर जितने भी आसन हैं, मैं सबका इस्तेमाल करूंगा। मेरी प्यास तू बुझा, मेरी रात को सजा।
तेरी तू यहाँ कबाड़ के अंदर? हाँ, तुम यहाँ? मेरे को तो शीतल ने बुलाया है। मुझे भी तो शीतल ने बुलाया है। तेरे को भी? हाँ। आकाश आ गया है। चल भाग, बैठ के अंदर छुपते हैं। आजा मेरी गोद में आजा, दूध बाद में पियेंगे। आजा। ये क्या चीज है? देखता हूँ। काटती तू यहाँ? तुम लोग यहाँ? हमको तो शीतल ने बुलाया है। और तेरे को? शीतल ने बुलाया। हाँ, इसको भी भागो। काश आ गया। हाथ दे। ये तो शीतल है, यही साड़ी डाल के मेरे साथ डांस कर रही थी। शीतल, एक काम करते हैं, तीनों साथ में इसको हाथ लगाते हैं। तुम तीनों डर के यहाँ? तुमको भी यहाँ पे शीतल ने बुलाया है? हाँ, भाभी ने बुलाया। इसका मतलब है उसे हम तीनों को बेवकूफ बनाया है। अरे हम चारों को बनाया है। क्यों आज ऐसी हालत होगी तुम लोगों की कि मुझसे नजर नहीं मिला पा रहे हो? अरे दोस्त नहीं, दोस्ती के नाम पर कलंक हो तुम लोग। मला लाज वाटते। आकाश, हम सबको कुछ कहने से पहले अपनी बीवी से पूछो, उसी ने तो हम सबको यहाँ बुलाया। हाँ हाँ, और मैंने तो अपना कॉटेज बेचकर 10 लाख रुपए दिया उसको, फिर भी उसने नहीं। ओए, मेरा तो दही जम गया। मैंने भी तेरी बीवी नु 8 लाख दित्ते सी अपनी इकलौती दुकान गिरवी रख कर। मैं भी तो गाड़ी और दुकान गिरवी रखी ने 7 लाख रुपया तुम्हारी बीवी को दिया है। हाँ, और मैंने तो बेरोजगार होते हुए भी कितनी मुश्किल से 5 लाख रुपए दिए उसे, मालूम है? वाह, क्या दोस्त हो तुम लोग। याद है जब दीपल का एक्सीडेंट हुआ था और मैंने तुम लोगों से पैसे मांगे थे? तुम में से किसी ने मेरी मदद नहीं की, जबकि सारी जिंदगी में तुम लोगों की मदद करता रहा। और आज अपने ही दोस्त की बीवी के साथ सोने के लिए लाखों का इंतजाम कर लिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम सबको बेवकूफ बनाकर कहाँ गई तुम्हारी बीवी? हाँ, तुम्हारी बीवी बहुत चालू है, मालूम है? हाँ, टैक्सी। अरे तुम हंस क्यों रहे हो? हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि वो मेरी बीवी थी ही नहीं। क्या? तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए एक खेल खेला था मैंने। अमाला बेड़ा बनाऊला। हाँ, उस दिन तुम लोगों से दुखी होकर जब मैं अकेला खड़ा था। क्या साहब, अकेले अकेले बारिश में भीग रहा है, चलता है क्या? क्या? एक रात का खाली 5,000 साहब। मुझे नहीं जाना, तुम जाओ यहाँ से, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे साहब, इस दुनिया में परेशान कौन नहीं है? चल, मैं तेरी परेशानी एक रात में ही दूर कर दूंगी। अरे तुम्हें क्या मालूम मेरी क्या परेशानी है? मेरी बीवी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है, और आज मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। खैर, मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। साहब, अगर तू बोले तो अपन तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम क्या मदद करोगी मेरी? तुम तो खुद मुझसे मदद मांग रही हो। हजारों कमाने वाली, मुझे लाखों की जरूरत है। साहब, आप उनके पास बहुत है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, कस्टमर। अगर अपुन बोले तो वो तुम्हें रातों रात लाखों रुपए दे सकता है। हाँ, लेकिन 5% ब्याज पर। अगर तू बोले तो अपुन उससे बात कर सकते हैं। एक कॉल गर्ल ने मेरी मदद की और उसी की वजह से आज मेरी दीपल जिंदा है। दीपल, कहाँ है? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। और तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए मैं शीतल को अपनी बीवी बनाकर यहाँ ले आया, ताकि तुम लोग फिर कभी किसी दोस्त की बीवी पर बुरी नजर ना डालो और किसी के विश्वास का कत्ल ना करो। अरे वो सब तो ठीक है, पर नाम के पैसे? कैसे पैसे? क्या सबूत है तुम लोगों के पास कि तुमने शीतल को पैसे दिए थे? अरे उल्टा, वो चाहे तो तुम लोगों पर दावा कर सकती है कि तुमने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। पैसे भूल जाओ, माफी मांगो, वो भी अपनी बीवियों से। हम लोगों को माफ करना डाले। तू किसको बोल रहा? तेरी तो शादी नहीं हुई है। ओए कादी, माफी। अरे काई की माफी? हमें तुम लोगों की हरकतों का पता चल गया था, अब तुम लोग नहीं बचोगे। मारो।
आओ शीतल, ये रहे तुम्हारे पैसे। अरे ये पैसे हमारे नहीं, तुम्हारे हैं, इन्हें तुम ही रख लो। आकाश, शीतल, तुमने हमारी इतनी मदद की है, हम वैसे भी तुम्हारे आभारी हैं। हाँ। लेकिन मैं ये पैसे नहीं रख सकती, ये पैसे मेरे नहीं हैं। ये कुछ बुरे लोगों के पैसे हैं, जो अब अच्छे हाथों में आ चुके हैं। तुम इन्हें लेकर जाओ और एक अच्छी जिंदगी शुरू करो। शीतल, तुम्हारे अंदर एक अच्छी औरत है, एक अच्छे इंसान का दिल है। जाओ, जिंदगी के कुछ हसीन पल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू आकाश, थैंक यू दीपल, मैं तुम लोगों को जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी और मैं कोशिश करूंगी एक अच्छी जिंदगी गुजारने की। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। बाय बाय। मैडम, आप दिखा दीजिए। कोई नहीं दिखा रहा है, आप तो प्लीज दिखाई दीजिए। बदतमीज, मुझे दिखाने के लिए बोल रहे हो? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैं तो एड्रेस दिखाने की बात कर रहा था। दिखाइए। बेवकूफ, ये नवी मुंबई का एड्रेस है, अगर उंगली में नवी दबा कर रखोगे तो एड्रेस कौन बताएगा? स्टूपिड। इस राही को पता मिलेगा या नहीं ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इन दोस्तों के कारनामों को देखकर आपको तो ये जरूर मालूम हो गया कि दूसरों की वाइफ को अपनी लाइफ में लाने की सोच से भी दूर रहना चाहिए। और सबकी प्यारी प्यारी।